नमस्कार। इस समय हम गांधीनगर हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि आज के दौर में इंसानियत दम तोड़ते नजर आ रही, रिश्तों के साथ तार तार होते देखा, पर वही दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं धड़ल्ले से किसी के भी घर में घुस जाते हैं, मार पीट करते हैं और उसके बाद कोई डर नहीं। इस समय हमारे पास बेली चराना जो कि डोडा माइग्रेंट बस्ती के कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। एक महिला को घर पर घुसकर एक व्यक्ति द्वारा पीटा गया, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस समय महिला जो है गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर जरे इलाज है। चलिए इनके परिजन है, जानते हैं इनसे। आंटी क्या नाम उनका जिन्हें लगी है? अर्चना देवी जी। वो आके पूरी गल दोस्तों पूरी गल अस कम उपर गई ही है। वो आई तो मैं भी आई ना, तो वो उत्थे बंदे बैठे थे बंदे, तो इं साढ़ा मतलब बेड़ा है, बेड़े बीच ऐसा फट्टा लाए दा जी जी फट्टा। इस समय जो हम स्क्रीन पे जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो विजुअल देख रहे हैं, ये उसी महिला के विजुअल हैं, उन्हीं के घर के, जिस घर में उस व्यक्ति ने घुसकर उस महिला को पर ताबड़तोड़ हमला किया, उन्हें सिर में स्टिचेस भी आए। चलिए जानते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। बताइए। उसके बाद हमें बोला बच्चे इधर से रास्ता नहीं, हमारे बच्चे बैठते ना महले बैठती है, हमें इधर से नहीं जाना। तो वो बोलने लगा आपके बाप की थोड़ी है। मैंने बोला हमारा बेड़ा है तो बाप का किसी का नहीं है। अच्छा वो बोलने लगा मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, ऐसे ऊपर चढ़ गया सड़क में, इतना पत्थर उठाया तो नीचे लड़की थी उसके सिर पे मारा है, तो लड़की बेहोश हो गई गिर गई। मैं उधर थी तो मेरी बहू थी, हमें वो लड़की ऐसे पकड़ी तो इतने में भाग गया वो, तो जो साथ में लाए थे वो भी भाग गए। अकेला है था कोई और भी लोग नहीं? और भी लेके कितने लोग लेकर आए? छह सात बंदे थे। सर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा वो सात बंदे लेकर? हाँ सरदार थे वो जी। तो उधर से भाग गया, मैं चौकी गई, मैंने चुन्नी भी नहीं लगाई थी, ऐसे नंगे पाँव मैं चौकी गई। उधर मैंने दरखास्त दी, मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है, तो मेरी लड़की अभी नहीं बोलती है नहीं चलती है, इधर है। सिर में चोट आई? सिर में चोट आई है। कितने स्टिचेस लगे? टांके कितने आए? टांके छह सात लगे ना जी, छह सात टांके लगे। पहले भी ऐसा करता था ये? पहले भी, पिछले साल भी। इसने नाम क्या है इस बंदे का? साबी। साबी करता क्या है ये? मतलब ऐसे बिजनेस करता है, ठेकेदार बनता है, और उधर जिसने जमीन बेची है उधर से रास्ता नहीं लेता है, वो बोलता मैं इधर से रास्ता लूंगा। पर किसी महिला को इस तरह से मारना ये तो बड़ी ही, ये कहेंगे वो पता क्या धमकी दे के गया है, भाई मैंने सारे खत्म कर देने, नहीं हमारे मकान पे कब्जा करना है उसने। उसका ये वो है जो उसको जल्दी से जल्दी जम्मू SP है, हमारी गुजारिश हुआ है इस रियासत में होना चाहिए वो बंदा। अभी फरार है? अभी फरार है। चलिए ये बच्चा इसकी मम्मा, आपकी मम्मा बेटा? हाँ मम्मा मेरे। क्या एग्जैक्टली अभी क्या कंडीशन है उनकी? कंडीशन अभी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हैं, बेहोश वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, ना होश है ना खा पी रहे हैं ना कुछ, ऐसे ही ढीले पड़े हुए हैं। क्या मसला क्या ये बताइए ना पूरा मसला? कुछ नहीं है, हमारा जो बेड़ा है वहाँ से ये ढूंढ रहा है रास्ता, वहाँ से इसका रास्ता बनता नहीं है, तो ये चाहता है ना। हाँ तो ये वहाँ से जबरदस्ती मतलब वगैरह रास्ता मांग रहा है। नाम क्या है बंदे का? इसका नाम साबी, ऐसे बुलाते हैं मोहल्ले में, आगे पीछे जहाँ पे पूछोगे तो साबी बुलाते हैं उसको। अच्छा रियल नेम तो पता नहीं है उसका भी। हाँ वहीं रहता है ये? हाँ ये वहीं रहता है, विक्रम चौक में रहता है। जी जी विक्रम चौक। हाँ, वहाँ क्या लेने गया था? वहाँ इन्होंने मकान वगैरह जमीन थोड़ी सी खरीदी थी ना इसने। हाँ तो उसके बाद इन्होंने मकान बनाया बना, अब तो ये पूरे कब्जा लेने चक्कर में है। फिर उसके जब हमने मना किया, मतलब आपकी मना भी किया इसको, हमने बड़ी बारी समझाया पुलिस के थ्रू भी समझाया, लेकिन ये नहीं माना। इसको बड़ी बारी कोऑपरेट भी किया, इसने माफिया भी मांगी, आज ये नौबत आई कि हमारी माँ इधर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। जिस तरह से हमने देखा वीडियो में दिखाया हमने जनता को, पत्थर मारा उनकी जान भी जा सकती, जान जा सकती थी, जान जा सकती थी, गई थी मेरी लड़की, अभी भी बेहोश है, अभी भी बेहोश है, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है मेरी लड़की की, जो सीधी बात है। तो क्या करना है हमें, गरीब लोग हैं, दिहाड़ी लगाते दिहाड़ी पे जाते। क्या काम करते हो आप और आपकी? दिहाड़ी लगाते हैं ऐसे फैक्ट्री में जाते हैं, कभी दिहाड़ी लगी तो उधर दिहाड़ी लगाते हैं, वो पता क्या गुंडागर्दी करता आके, हम जिसने जगह बेची है उससे रास्ता नहीं लेता, बोलता इधर से मैंने रास्ता लेना है, उसका रास्ता बनता नहीं है, ये बात अगर है। कुछ भी बनता जाके कानूनी कार्रवाई करें ना, मारने वाला क्या है इसमें? पिछली साल भी इसने ऐसे किया था, पिछले साल बोलने लगा मैंने इधर से रास्ता लूंगा, आज फिर भी वो ऐसे कर रहा है, उधर किरायेदार रखे गंद डालता है सारा कुछ, मतलब शाम को जब आते हैं तो इतना रौला होता है, और बहुत ही गंदा बंदा हो, बहुत गंदा बंदा हो, और लेडीज को ऐसे वो बोलता कि मेरे साथ रहिए, लेडीज कोई नहीं रहती साथ में, जो गंदी उनके साथ रहे, तो फिर इसको भी ऐसे बोलता होगा तभी इसने मारा इसको, ऐसे थोड़ा कोई किसी को मारेगा। अगर अपना बेड़ा है, अपना बेड़ा है ना, इधर उसका है, इधर गली है,
गली बंद की, अपने बेटे से कौन जाने देगा किसी को? कोई नहीं जाने देगा, जाने देगा उसको? तो हमें खतरा है, हमारे बच्चे काम पे जाती हैं, हमें खतरा रास्ते में वो मार देगा लड़के को जिसने एक औरत के ऊपर हाथ उठाया, और लड़कों को छोड़ेगा? छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? हम तो दिहाड़ीदार बंदी हैं, कोई हमारे तो बिजनेस नहीं, हमारी गाड़ियाँ नहीं, उसका तो हमें खतरा है। पुलिस के आला अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं अभी नाम के व्यक्ति के लिए? आप वो पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो हम आगे जाएंगे, हम इसको लेके जाएंगे लड़की को। अभी बोल, एक महिला को घर में घुसकर पत्थर से मारना और फिलहाल 6 से 7 स्टिचेस जो बता रहे लगे, और जमीन को लेकर, यानी किसी के घर में आप जाएंगे, आप कहेंगे रास्ता दो, अगर नहीं मानेंगे तो आप जनाब गुंडागर्दी पर उतर आएंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? फिलहाल हम वहाँ के जो सतवारी SHO उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, बेली चराना के जो चौकी अफसर है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या वो उस व्यक्ति को फिलहाल पकड़ में लाया या नहीं लाया, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में ये व्यक्ति, जिसको ये तक इसका लिहाज नहीं था कि महिला को मारा घर में घुसकर, उसको इस समय जेरे इलाज है, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो कल को किसी और को भी नुकसान कर सकता है। यानी ऐसे लोगों के दिन ब दिन हौसले बुलंद होते जाएंगे अगर इन पर शिकंजा नहीं कसा गया। ये बड़ी हिम्मत की बात है किसी के घर में जाकर एक महिला पर इस तरह से प्रहार करना। इस समय वो महिला अंदर जेरे इलाज है, दिहाड़ीदार लोग हैं, दिहाड़ी तो टूटी यानी काम से तो गए, पर इस समय वो हालत उसकी ख़राब है। तो फिलहाल ये पुलिस हम निवेदन करते हैं SSP जम्मू से, DGP जम्मू, IGP जम्मू से, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आने वाले समय में आज इनके साथ कल किसी और के घर में घुसकर इस तरह से कातिलाना हमला कर सकते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।